ऑफ इंडिया का डिसीजन है वो ये है कि अभी जो भी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते थे, जो बैन जनवरी तक था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 28 फरवरी तक। बट इस बैन के बीच में भी जो एयर बबल अरेंजमेंट्स हैं उनकी जो फ्लाइट्स चलनी हैं वो परमिटेड हैं, वो ऑपरेट करेंगी। जहाँ तक यूके का सवाल है, यूके के लिए नए स्ट्रेन आने के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि कुछ लिमिटेड एयरपोर्ट्स पर ही वो फ्लाइट वहाँ से इनकमिंग रहेंगी, जैसे चेन्नई है, मुंबई, दिल्ली, उन जगहों पे। रिसेंटली हमारे यहाँ से भी यूके के लिए एक फ्लाइट डिपार्ट हुई है। अदरवाइज़ पहले हमारे पास डायरेक्टली वीक में 2 फ्लाइट्स थी जो लंदन गोवा लंदन ऑपरेट करती थी, बट अभी जो फ्लाइट गई है वो यहाँ से सिर्फ डिपार्टिंग पैसेंजर्स लेके गई है। ओवरऑल चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चीज़ें ओपन अप होती जा रही हैं, नियर फ्यूचर में आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग के इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एक कैलिब्रेटेड मैनर में रीस्टार्ट होगा, जैसे डोमेस्टिक भी कैलिब्रेटेड मैनर में स्टार्ट हुआ है। तो वी आर होपफुल कि समवेयर बाय मार्च वी शुड एक्सपेक्ट सम एक्टिविटी ऑन शेड्यूल इंटरनेशनल रूट्स मे टेक प्लेस, बट दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर नेशंस इन्वॉल्व फॉर दैट। अब देखिए जो 2019 की अगर कैलेंडर ईयर की बात करता हूँ मैं, से टू मार्च 2019 तक जो बेसिकली मेजर सीजन होता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस का, तो हमारे पास 1998 एयरक्राफ्ट्स आए थे जिसमें चार्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें शेड्यूल इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व हैं। और इस बार बेसिकली इस कैलेंडर ईयर में नंबर चूँकि कोविड था उसकी वजह से बहुत कम हो गया, और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी एयर बबल ही प्राइमरीली ऑपरेट हुआ, और अभी भी कुछ रिपैट्रिएशन और रिलीफ फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। तो अभी तक की जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो 153 ऑपरेशंस हैं जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर आए हैं। देयर इज़ अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत जगह पर एयर स्पेसेस क्लोज रही हैं, अभी भी कुछ जगहों पर एयर स्पेसेस क्लोज हैं। यूके में नया स्ट्रेन आने के बाद रिस्ट्रिक्शंस और इम्पोज करी गई हैं, तो उसका ये फॉल बैक है। बट वी आर होपफुल जैसे जैसे वैक्सीन आ गया है, वैक्सीनेशन स्टार्ट है डिफरेंट नेशंस में, हमारे यहाँ भी, तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट डेट की बात करता हूँ या पिछले 4 महीने की 5 महीने की बात करता हूँ डोमेस्टिक पैसेंजर्स की इनफ्लो को देखते हुए, तो बेसिकली डोमेस्टिक पैसेंजर एक ह्यूज नंबर में आया है हमारे यहाँ पे, और रफली अराउंड 85-90% पैसेंजर कैपेसिटी हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की अचीव कर चुके हैं। रादर इसको मैं इस तरीके से देखूं कि जहाँ पर पहले हम रफली 9 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करते थे, जिसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन होता था, उसका एक पार्ट पोर्शन डोमेस्टिक टूरिस्ट ने रिकवर किया है। वीकेंड्स पे लास्ट टू लास्ट वीकेंड जो 26 जनवरी वाला वीकेंड था उसमें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डे में हमने 21,000 से ज़्यादा फुटफॉल पैसेंजर्स को हैंडल किया है डोमेस्टिक में। तो अभी भी जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो दे आर ऑल फुल फ्लाइट्स, जो जा रही हैं दे आर ऑल्सो फुल फ्लाइट्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर हम नंबर्स के टर्म में देखते हैं तो शायद हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 75-80% के आसपास होंगे एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स को लेके। बट इस दौरान में एयरलाइंस ने जो पहले एयरबस 320 लेके आया करती थी वो एयरबस 321 लेके आए हैं। हमारे पास कुछ दिनों में इवन 10 नंबर्स ऑफ एयरबस 321 ऑपरेट करी हैं डिफरेंट एयरलाइंस ने। बोइंग 777 ऑपरेट किए हैं, 787 ऑपरेट किए हैं। इसका एक दूसरा सा सिंपल सा इंटरपोलेशन ये है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर मोर सो दैट बिगर एयरक्राफ्ट वर बीन ब्रॉट बाय द एयरलाइंस।
अगर हम एयरबस 321 की बात करते हैं इन कंपैरिजन टू एयरबस 320, तो रफली 50 टू 60 नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स आर मोर। सो अगर 10 फ्लाइट एक दिन में ऑपरेट होती हैं एयरबस 320 की, इंस्टेड ऑफ 320 321 ऑपरेट होता है, तो 600 नंबर पैसेंजर हमारे पास ज़्यादा आया है, ज़्यादा गया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं जो विस्तारा ने ऑपरेट किए, तो उसमें करीब 90 पैसेंजर्स हमारे पास ज़्यादा आया गया है, और इन कंपैरिजन टू जो वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते थे। तो ये अपने आप में शो करता है कि डोमेस्टिक पैसेंजर ने गोवा को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में ट्रीट किया है, एंड दे केप्ट ऑन कमिंग एंड दे स्टिल कमिंग। पैसेंजर्स के अगर मैं एवरेज देखूँ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो एवरीडे एवरेज इज टचिंग अराउंड 16,000 पैसेंजर्स फुटफॉल, जो कि वीकेंड पे टचेज अराउंड 19,000, 20,000, इवन 21,000 एट टाइम्स अगर लॉन्ग वीकेंड्स हैं तो। सो दैट वे डोमेस्टिक पैसेंजर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, और काफ़ी बड़े नंबर में एयर ट्रैवलर्स आ रहे हैं। बात चल रही है वो भुवनेश्वर और रायपुर को कनेक्ट करने की बात चल रही है। भुवनेश्वर मुझे लगता है कि हम जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ से। अदरवाइज अगर हम गोवा एयरपोर्ट से देखें तो हमने अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कन्नूर, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, मैसूर, नागपुर, पुणे, सूरत और जयपुर कनेक्ट किया हुआ है अभी, और कलकत्ता भी हमारे साथ कनेक्टेड है। कलकत्ता भी हमारी दो फ्लाइट जाती हैं। तो ओवरऑल बेसिकली जो हमारे पुराने कनेक्शंस थे उसमें हुबली के जुड़ने के बाद हमारे सारे कनेक्शंस बेसिकली पूरे हो गए हैं जो हमारे पुराने कनेक्शन थे। बट जयपुर एक नया कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा है जो अभी चल रहा है, और कुछ एयरलाइंस का ऐसा प्लान है कि वो लेट नाइट फ्लाइट्स यहाँ ला के यहाँ से अर्ली मॉर्निंग डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगे। तो मतलब 4-5 घंटे यहाँ रह के दे विल बी कनेक्टिंग दी न्यू डेस्टिनेशन, एंड भुवनेश्वर एंड रायपुर आर लाइकली टू बी अमंग देम। सो हमारी तरफ से प्रयास जारी है, हम जितने डोमेस्टिक सेक्टर्स को कनेक्ट कर सकें, जितने मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर सकें, हमारा प्रयास है कि हम उसको जितना जल्दी हो सके गोवा से जोड़ें, सो दैट जो स्टेट्स या जो डायरेक्शंस या जो एरियाज अभी अनटच्ड हैं या यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, उन एक्सेस कनेक्शंस को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एयरलाइंस के कोऑर्डिनेशन में।